हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो आपका आईसीएल सीजन खत्म हो गया, इस पर मैंने एक प्रोडकास्ट किया, लेकिन कुछ हट के किया है, मतलब अलग तरीके से किया है। मैंने क्या किया है ना कि क्यूरियस सैरी, आपके टीएफएच के रियान भाई, उसके बाद से प्रोफेसर कलिंगा, तीनों लोगों को 5 क्वेश्चन भेज दिया हूँ अलग अलग, और वो तीनों लोग क्या किए ना कि अपना वीडियो बना बना के सेपरेटली मुझे भेजे। ऐसे क्या होता है ना कि आप अगर एक साथ जुड़े रहते हैं ना, तो कोई एक अगर आंसर देता है तो दूसरे वाला भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इसमें तो कोई भी चांस नहीं भाई किसी और से इन्फ्लुएंस होने का। तो देखते हैं भाई इनके आंसर्स क्या क्या है, और भाई बहुत ही मज़ेदार है। और इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपके बेस्ट आईएसएल साइनिंग कौन सी है, बेस्ट फॉरेन प्लेयर्स कौन से थे, फाइंड आउट द सीजन क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस सीजन आईएसएल कप कौन जीतने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस आईएसएल की बेस्ट फॉरेन साइनिंग कौन सी है? रॉय कृष्णा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रॉय कृष्णा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है एज ए स्ट्राइकर, आई डोंट थिंक कोई ऐसा स्ट्राइकर है जो फ्री में ऐसे एज ग्रुप में आके परफॉर्म करे हूँ। और आप बोल रहे हैं तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा ऐसे में डिएगो की जितनी इस बार कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसे 3 गुना ज्यादा रॉय कृष्णा का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मैं जितना जानता हूँ 14 से 15 या 16 गोल जो है ये सीजन में मारे हैं, दैट सेज इट ऑल के रॉय कृष्णा इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन साइनिंग। फॉर मी द बेस्ट फॉरेन साइनिंग इज मेहदी तलाफ फ्रॉम पंजाब एफसी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिकॉज जिस तरह का उसने इम्पैक्ट डाला है पंजाब एफसी के लिए, हाईएस्ट आईएसएल असिस्ट प्रोवाइडर इन दिस सीजन, एंड जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कंसिस्टेंट बेसिस पे, आप देखें कि बड़ी टीमों के सामने भी जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक विदाउट अ डाउट ही इज द बेस्ट फॉरेन साइनिंग इन दिस सीजन आईएसएल। मेहदी तलाल जिस तरह से इस सीजन में खेला है, मेहदी तलाल ने एक मीडियोकर टीम में रह के भी 10 असिस्ट आईएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अलोंग विद ग्रेग स्टुअर्ट, दिस इज नॉट अ जोक। तो आई वुड से मेहदी तलाल और साउल क्रिस्पो, एक साइलेंट किलर की तरह ईस्ट बंगाल में जो परफॉर्मेंस डाला है, जो काम एंड कंपोज ले आता है ईस्ट बंगाल में, तो मेरे लिए साउल क्रिस्पो एंड मेहदी तलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया इस पूरे आईएसएल सीजन में? द प्लेयर हु सरप्राइज मी द मोस्ट इन दिस सीजन आईएसएल इज पुतिया फ्रॉम ओडिशा एफसी, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने अपने करियर को और अपनी परफॉर्मेंस को इस सीजन अप किया, आई थिंक दैट्स अ रिमार्केबल जॉब फ्रॉम पुतिया साइड, एंड नॉट ओनली इन आईएसएल, अगर आप उनका परफॉर्मेंस एएफसी कप में भी देखेंगे, इट्स बीन रियली रियली ब्रिलियंट एंड कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा मैटर करती है, उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काफी प्रेशराइज मैच में भी यहाँ पे एक सॉलिड परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप किया है, सो ही हैज बीन इंप्रूव्ड रियली रियली वेल, एंड आई थिंक इस सीजन ही इज द, यू कैन सी द प्लेयर जिन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। मेरे लिए पुइटिया है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरीके से उनको मोहन बागान ने सेल कर दिया बिकॉज थापा उन्होंने ले लिया है, और वो जब आए उन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। नॉर्मली प्लेयर जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं मोहन बागान से, टीम से, अपने सैलरी के वजह से रुक जाते हैं, बेंच में ही रहते हैं, बट उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उड़ीसा में आए, सर्जियो लोबेरा को इम्प्रेस किया, जो कि बहुत मुश्किल वाली बात है। सर्जियो लोबेरा को इम्प्रेस किया, पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया, बस इगोशिमा को इम्प्रेस नहीं किया वो अलग बात है, बट ही इज अ बेस्ट मुंबई सिटी एफ सी का विक्रम प्रताप सिंह मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है। जिस तरह से आप अगर देखोगे, ग्रेग स्टुअर्ट चला गया था, देन ग्रिफिट्स चला गया था, देन गोडेक्सन आया था, वो भी इंजर्ड होकर चला गया, एंड उस टाइम में डियाज भी नहीं था, जो परफॉर्मेंस दिया है विक्रम प्रताप सिंह ने, तो मेरे लिए तो विक्रम प्रताप सिंह सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था विक्रम से, लेकिन बहुत ही फाड़ू भाव में किया विक्रम प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीजन का फाइंड ऑफ द सीजन कौन है, मतलब कि हर सीजन हम लोगों को कोई ना कोई एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर देखने को मिलता है, इस सीजन वो कौन सा प्लेयर है जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है इस आईएसएल सीजन में, या फिर कहा जाए इंडियन फुटबॉल सर्किट पे? फाइंड ऑफ दिस सीजन बहुत सारे हैं, लेकिन अभिषेक है, इसमें एंगल में बोलूँ तो शायन बैनर्जी है, एंड विष्णु पीवी है, लेकिन मैं अगर एक नाम लूँ तो मेरे लिए आई थिंक आई वुड से आप यार अभिषेक भी है, लेकिन मेरे लिए दिव्येंदु है। इसका भी रीज़न है, अगर अनवर अली उस पोजीशन में नहीं खेलता तो अभी दिव्येंदु ही खेलता। अनवर की एब्सेंट में जो परफॉर्मेंस डाला है दिव्येंदु, एंड डिफेंस एक ऐसा पोजिशन है जहाँ पर बहुत सारा प्रेशर आता है, एंड वहाँ पर आप अगर एरर कर दोगे तो गोल हो जाएगा। जितना गेम खेला है दिव्येंदु ने, एवरी गेम में डिलीवर किया बंदा ने, तो मेरे लिए दिव्येंदु द मैन द फाइंड ऑफ द सीजन। बहुत सारा बंदा है, लेकिन मेरे को अगर एक नाम पूछोगे तो दिव्येंदु है। इतना
शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में जो डिलीवर किया बंदा ने, सैल्यूट मैन, सैल्यूट दिब्बेंदु में, सैल्यूट दिब्बेंदु फॉर मी द फाइंड ऑफ द सीजन। फाइंडिंग ऑफ द सीजन मैं बोल सकता हूँ इसाक, खेल रहे थे उड़ीसा में लास्ट सीजन भी थोड़ी बहुत खेले थे, बट ये सीजन तो अलग ही लेवल के खेले भाई। मैं तो उनमें ग्रानाचो देखता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्रानाचो भाई, द फ्लेयर, द मूवमेंट, द एग्रेशन, द ड्रिबल, एवरीथिंग एवरीथिंग दिस गाय इज हैविंग, ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। द फाइंडिंग ऑफ द सीजन फॉर मी इज विदाउट अ डाउट विक्रम प्रताप सिंह, बिकॉज लास्ट सीजन हमें सिर्फ उनके ग्लिम्पसेस देखने को मिले थे एज अ सब्स्टिट्यूशन, बट इस सीजन जब उनको यहाँ पे अंडर द डेस बकिंगम एंड नाउ अंडर द पीटर केट की जब उनको फुल टाइम मिलने लगा, तब उन्होंने भी अपना ट्रू पोटेंशियल भी दिखाया, नॉट ओनली इन आईएसएल, अब देखिए चैंपियंस लीग में भी। ही इज द प्लेयर विद दैट मेंटालिटी, दैट कैरेक्टर, कि यहाँ पे आपको वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, नॉट ओनली फॉर द मुंबई सिटी, आई थिंक नेशनल टीम के लिए भी हमें एक बेहतरीन प्लेयर के रूप में एक प्रोस्पेक्ट मिल चुका है कि जो यहाँ पे लंबे टाइम के लिए इंडियन नेशनल टीम को भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पूरे आईएसएल सीजन का सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट साइनिंग कौन सी है? द वर्स्ट साइनिंग फॉर मी फॉर दिस सीजन इज एलन स्टीवानोविच फ्रॉम जमशेदपुर एफसी, बिकॉज भाई बंदे के जिस तरह से हाइप बनी थी और जिस तरह की उसकी यहाँ पे आप देखिए कि करियर रहा है, मतलब इंटर मिलान की वो ट्रेवल विनिंग 2010 की टीम के वो पार्ट थे, हिस्सा थे उस टाइम पे यंग डेज पे, एंड वहाँ के बाद यहाँ पे जिस तरह से उनका करियर रहा है, तो एक ज़्यादा होप थी कि भाई ही कैन बी वेरी वेरी गुड, यू कैन से कि लिथल प्लेयर इन दिस सीजन फॉर जमशेदपुर एफसी, बट उसकी जगह पे मंजारो ने आप देखे ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस डाली एंड स्टीवानोविच उस तरह से यहाँ पे सेटल डाउन अभी तक नहीं हो पाए, सो दैट्स फॉर मी द वर्स्ट साइनिंग ऑफ दिस सीजन। वो साइनिंग ऑफ द सीजन ऑब्वियसली ईशान परनीता है, जिन्हों को गेम टाइम नहीं मिला था बोले हैं जमशेदपुर में, और उन्होंने जहाँ पे गए वहां पे उल्टा और भी टाइम मिला, उल्टा जमशेदपुर में होते तो शायद उनको और ज्यादा गेम टाइम मिलता, एंड ही वाज बीइंग ऑन अ फ्यूचर फॉर इंडियन फुटबॉल एज ए स्ट्राइकर, बट जब से केरला ब्लास्टर गए लाइक गॉन, मतलब ही इज आउट ऑफ सिलेबस राइट नाउ, सो ही इज अ वर्स्ट साइनिंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट अ केरला ब्लास्टर, फॉर हिमसेल्फ बाय द वे। और साइनिंग ऑफ द सीजन किसके नाम बोलो यार, आई थिंक विक्टर वास्केस ईस्ट बंगाल का, जो एक्सपेक्टेशन था विक्टर वास्केस के ऊपर, जितना हाइप करके ले आया था ईस्ट बंगाल, मेसी के साथ खेला है, खत्म है यार विक्टर वास्केस, एक दो मैच में अच्छा किया है लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे, सॉरी ईस्ट बंगाल फैन, बट दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। और लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आईएसएल कप कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली आईएसएल कप में कौन ही जीतेगा, इट इज ओडिशा एफसी नो डाउट, सर्जियो लोबेरा विदाउट अ ट्रॉफी ए सीजन वेरी टफ टू थिंक अबाउट, एंड आई एम श्योर ओडिशा विल डू वेल व्हेन कम टू विनिंग द आईएसएल कप। तो आईएसएल कप की बात करें तो आई थिंक मोहन बगान सुपर जायंट हैज अ वेरी गुड चांस टू विन दिस आईएसएल कप, बिकॉज उनके पास इस तरह की टीम है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर काफी ज्यादा है, एंड आई थिंक कप कॉम्पिटिशन में और पर्टिकुलरली नॉकआउट मैचेस में आपको यहाँ पे इस तरह के प्लेयरों की ज्यादा जरूरत होती है कि जो यहाँ पे गेम के मोमेंटम को, गेम के उस मोमेंट को यहाँ पे अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से वो चेंज कर पाए, एंड आई थिंक दैट्स वाई आई थिंक मेरे को लगता है कि मोहन बगान सुपर जायंट हैज अ वेरी गुड चांस टू विन दिस आईएसएल कप। विल विन द, क्या क्वेश्चन है सर, obviously the national club of india mohan bagan will win the isl cup, win the league shield, yes, joy mohan bagan। So hopefully aapko ye broadcast pasand aaya ho, agar aapko ye broadcast pasand aaya ho to ise like zarur karega, aur hamare curious bhai tfs ke rehan bhai professor kalinga teeno ka channel jaake aap check out kariye, aur bhai unki content dekhiye, agar aapko pasand aaye to unka content like kariye, unhe subscribe kariye, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। गुड बाय।